ऑल राइट दोस्तों, इंडिया के अंदर ओप्पो का नया स्मार्टफोन ओप्पो F25 Pro ये लॉन्च होने जा रहा है 29 फरवरी को। ये स्मार्टफोन देखो यार, अगर हम बात करते हैं ना पहले की, मैंने आपको ओप्पो रेनो सीरीज, चाहे हम बात करते हैं रेनो 6, रेनो 7, रेनो के जितने भी स्मार्टफोन आए हैं, या फिर हम बात करते हैं ओप्पो की ए सीरीज, ओप्पो की एफ सीरीज, मैंने आपको लॉन्च से पहले या फिर लॉन्च वाले दिन आपको मैंने अनबॉक्सिंग, रिव्यू, कैमरा टेस्टिंग वगैरह की वीडियो दी है। तो अगर आप नए हैं तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस स्मार्टफोन की वीडियो भी आपको लॉन्च से पहले देखने को मिल जाएगी कंप्लीट अनबॉक्सिंग के साथ में। चलिए बात करते हैं ओप्पो F25 Pro के बारे में। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आपका स्वागत है एंड्रॉइड गुरुजी में। अगर आप चैनल पर नए हैं, अनबॉक्सिंग, रिव्यू, कंपेयर, गिव अवे के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कॉल पर सेट कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों बात करते हैं स्मार्टफोन की डिस्प्ले की। ये स्मार्टफोन कंटेन करेगा 6.7 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड पैनल, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में, 240 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट, 1100 निट्स की ब्राइटनेस पीक, वाइड वाइन L1, यानी दोस्तों ये स्मार्टफोन अगर हम करते हैं ना मीडिया वॉचिंग, कंटेंट वॉचिंग, भाई आपका एक बढ़िया वाला काम करवा के देगा डेट फॉर श्योर। चाहे हम बात करते हैं डे लाइफ के अंदर टच एंड स्वाइप वगैरह की, चाहे हम बात करते हैं यार मूवी देखनी है ना, कुछ भी आपको करना है ना यार, तो डिस्प्ले के अंदर यहाँ पर ओप्पो ने काफी अच्छा काम किया है डेट्स फॉर श्योर। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं भाई कि 25,000 रुपए के अंदर आपको मार्केट के अंदर और भी काफी अच्छे स्मार्टफोन मिल जाएंगे जो कि आपको डिस्प्ले के अंदर और बेटर फीचर प्रोवाइड करते हैं। लेकिन हाँ, जो जानकारी मेरे पास में आई है दोस्तों वो मैंने यहाँ पर आपके साथ में शेयर कर दी है। तो ये डिस्प्ले अपनी प्राइस के हिसाब से ऑन एन एवरेज होने वाली है ओप्पो F25 Pro के अंदर। चलिए दोस्तों बात करते हैं स्मार्टफोन की स्पेक्स की, परफॉर्मेंस की। ये कंटेन करता है MediaTek Dimensity 7050। देखो यार, ये SoC मेरे हिसाब से ऑन एन एवरेज है। मैं कह सकता हूँ कि यार ये स्मार्टफोन कोई बहुत ज्यादा बेकार नहीं है तो बहुत ही ज्यादा अच्छा भी नहीं है। ये स्मार्टफोन कंटेन करेगा ऑफलाइन दुनिया को, और वहां पर आप देख सकते हैं यार कि आपको ना एक ऑन एन एवरेज स्मार्टफोन दिया जाता है डेट फॉर श्योर। ये स्मार्टफोन दो वेरिएंट को कंटेन करेगा, 8128, 8256 GB के साथ में, 4X रैम, UFS 2.2 आने के यहाँ पर चांसेस है। लेकिन पता है एक अच्छी बात क्या है कि आपको ये जो ऑफलाइन सीरीज होती है ना दोस्तों, यहाँ पर भी आपको अब Android 14 देखने को मिलने वाला है। लेकिन अपडेट वगैरह कितने मिलेंगे दोस्तों, फिलहाल इसकी जानकारी हमारे पास में नहीं पहुंची है। लेकिन एक बात तो श्योर है, यहाँ पर ओप्पो का स्मार्टफोन है तो यहाँ पर आपको ब्लॉटवेयर, प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन वगैरह देखने को मिल जाएगी। अगर हम बात करते हैं गेमिंग की, तो यहाँ पर आप मीडियम टू हाई सेटिंग्स पर गेमिंग कर पाएंगे, क्योंकि यार 7050 हमें पता है यार, आप गूगल पर जाके देख सकते दोस्तों कि यहाँ पर कोर वगैरह कैसे काम करती है, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो मेरे हिसाब से अगर आप करते हैं एक एवरेज वाला काम, आप गेमिंग करते हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं, फोटो वीडियो एडिटिंग आप ठीक ठाक यहाँ पर लेवल पे कर लेते हैं ना, तो ये स्मार्टफोन भाई आपके काफी काम आने वाला है ओप्पो F25 Pro MediaTek Dimensity 7050 के साथ में। और हाँ, Android 14 कंटेन करेगा जो कि काफी अच्छी बात है। चलिए दोस्तों बात करते हैं स्मार्टफोन के कैमरा की, और कैमरा दोस्तों यहाँ पर स्मार्टफोन में भाई काफी तगड़े होने वाले हैं। 64 का ओमनीविजन का सेंसर OIS आपको यहां पर नहीं दिया गया है, 8 का अल्ट्रा वाइड, 2 का मैक्रो और 32 का सेल्फी कैमरा जो कि एक सोनी का सेंसर है, सोनी IMX615। यहां पर पता है अच्छी बात क्या है यार, देखो यार ओप्पो का स्मार्टफोन है ना तो यहां पर आपको कैमरा फीचर वगैरह काफी अच्छे मिलते हैं। बात करते हैं ना पैनोरोमा की, ड्यूअल व्यू वगैरह की, नाइट मोड वगैरह की, प्रो मोड वगैरह की, दोस्तों यहाँ पर आपको काफी अच्छे से मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये स्मार्टफोन आपको फ्रंट और रियर दोनों के अंदर 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। अगर आप देखते ना बजट के अंदर कि मुझे सेल्फी कैमरा के अंदर 4K मिल जाए, रियर के अंदर भी 4K मिल जाए, तो भाई ये स्मार्टफोन आपके लिए काफी बेटर ऑप्शन होने वाला है डेट फॉर श्योर। लेकिन रियल लाइफ टेस्टिंग है, जैसे कि एज डिटेक्शन कैसे लेता है, इमेज प्रोसेसिंग कैसी करता है, स्किन टोन वगैरह कैसी है, डायनेमिक रेंज कैसी है, कलर्स वगैरह कितने प्रोवाइड करता है भाई, सेचुरेशन वगैरह कैसी है, इन सभी की जानकारी के लिए मेक श्योर सब्सक्राइब विद बेल आइकन ताकि वीडियो आते ही आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। मेक श्योर दोस्तों लॉन्च वाले दिन या फिर लॉन्च से एक दिन पहले, दो दिन पहले आपको इसकी अनबॉक्सिंग, कैमरा सैंपल, गेमिंग टेस्टिंग सब कुछ मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं। ये स्मार्टफोन कंटेन करता है 5000 mAh की बैटरी, 67 वाट का चार्जर आपको इन द बॉक्स दे दिया जाएगा। और अगर हम बात करते हैं प्राइस की, तो लगभग स्टार्ट हो जाएगा ये 8128 के अंदर 23,000 रुपए और 25,000 रुपए। चलिए बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर मेरे ओपिनियन की, तो मेरे हिसाब से भाई अगर आपका बजट है ना 25,000 रुपए के आसपास का और ये ऑफलाइन वाला स्मार्टफोन है भाई, तो आपको यहाँ पर 1000, 1200, 1500 के डिस्काउंट दुकानदार दे देगा। अगर आपकी अच्छी जानकारी वहां पर है तो और ज्यादा मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से 20,000 रुपए के अराउंड आपको ये स्मार्टफोन
वह एक अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है, दैट फॉर श्योर। लेकिन ध्यान रखिए, शायद प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि अभी इसकी टेस्टिंग आना बाकी है। ठीक है दोस्तों, ये है ओप्पो F25 Pro, जिसकी सारी जानकारी मैंने आपको दी है। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, और आप कमेंट करना भाई कि आपको अनबॉक्सिंग के अंदर कौन से एक अलग फीचर को आप चाहते हैं यार इसकी टेस्टिंग अनबॉक्सिंग के अंदर भी हो जाए। आप मुझे कमेंट करना, वीडियो आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद।